बात मैथ के क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है तो करिएगा, मैथ के क्वेश्चनों का आनंद लीजिएगा। बिल्कुल धमाकेदार आंसर, क्या बात, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको बस क्या करना है, आंसर का जवाब देना है। ये लीजिएगा, ये भाई 4:30 बजे हर रोज स्टार्ट हो जाती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ चेंज होता तो मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी क्या है? कोई चीज़ अपने आप का क्या होती है जी? 100% होती है। कोई चीज़ अपने आप का 100% होती है, लेकिन इसमें क्या बोल रखा, 70% विद्यार्थी क्या है? 70% विद्यार्थी क्या है जी? बॉयज है। तो रिमेनिंग कितना हो चुका है? 30% लड़कियाँ। 30% क्या होगी? लड़कियाँ। और लड़कियों की संख्या कितनी दी हुई है सर? 255। यानी 30% की वैल्यू मेरे पास 255 है, हमें 70% की निकालनी है। कैसे निकालेंगे सर? 30% की वैल्यू अगर 255 है तो 1% की वैल्यू 255 बटे में 30 हो जाएगी, हमें 70 की निकालनी है, तो मल्टीप्लाई में 70, 0 से 0, 3 से 3 आड़े 24, 3 पंजू 15, 85 की अगर मैं 7 से गुणा करूंगा, 7 पंजू 35, 7 8 56, 7 पंजू 35, 7 8 56, 56 और 3 59, यानी 595 क्या हो गए जी? बुआएज हो गए। अगर टोटल संख्या निकालते तो इनटू में क्या करते, 100 करते, तो राइट आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों? सर राइट आंसर डी दी इन्होंने भी दिया है, बिल्कुल बढ़िया दिया है, जबरदस्त दिया। डी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार भाई, बहुत ही जबरदस्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा जिसे 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल। इस क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन करेंगे तो बिल्कुल इजी रहने वाला, बाई ऑप्शन करेंगे तो बिल्कुल इजी रहने वाला। सबसे पहले सबसे बड़ा ऑप्शन उठाइएगा, 23 एकम 23, 23 को अगर 23 की, मैं कहता हूँ ना भाई 30 तक टेबल याद होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए 23 का अगर इसको भाग देंगे 23 को 30 से तो कितना रिमेनिंग बचेगा? 7। और 23 को 53 से देंगे 23 दूनी 40 तो कितना बचेगा? 7। 23 3 69, 23 चौके 92 यानी 7। यानी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? बड़ी से बड़ी कह रहा था सबसे पहले बड़ा ऑप्शन उठाना है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। छोटी से छोटी बोलता तो सबसे पहले छोटा ऑप्शन उठाते, तो जिन्होंने भी डी दिया है बिल्कुल जबरदस्त दिया है, लाजवाब दिया। ये होती है भाई ट्रिक, ये होती है ट्रिक, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 47-25 है तो महत्व समापवर्तक 15 है तो लघुत्तम। देखिए क्या होता है हमारा, लघुत्तम इंटू में महत्व, लघुत्तम इंटू में क्या होता है? महत्तम होता है, और इज इक्वल टू क्या होता है? उनका गुणनफल होता है। इज इक्वल टू उनका क्या होता है जी? गुणनफल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम लघुत्तम इंटू में महत्व की बात हो रही है, लघुत्तम इंटू में महत्व की बात हो रही है, तो लघुत्तम कितना दे रखा है? लघुत्तम तो हमें निकालना है जी, लघुत्तम तो हमें निकालना है। महत्व हमारा कितना दे रखा है? 15, और गुणनफल पहली और इंटू में 47-25 दे रखे। गुणनफल का मतलब क्या होता है? पहली संख्या इंटू में सेकंड संख्या। ये फार्मूला होता है, एक ही फार्मूला से कई क्वेश्चन हम इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लघुत्तम निकालना है, तो लघुत्तम निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी? 47-25 को डिवाइड कर देंगे 15 से, 15 3 45 कितना हो जाएगा जी? 15 3 45 हो जाएगा, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। कितने बचेंगे जी? 2 बचेंगे। 15 1 कम 15 हो जाएगा, 7 बचेगा, 15 5 75 यानी 315। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर, लघुत्तम कितना हो जाएगा जी? 315। कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो जिन्होंने भी ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल बढ़िया दिया है, लाजवाब दिया है, शानदार। ए वाले अपना आंसर पक्का करें, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जाट, अनुज वेदवान, मनीषा एंड रुपेश कुमार, सतीश राठौड़, ज्ञान भाई गेमर्स, फ्यूचर सोल्डर, ठाकुर रघुवंशी, ठाकुर ललित राजपूत, बादल राजपूत, पायल वाखंडे, क्या बात है, सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, लाजवाब आ रहा है, शानदार आ रहा है। तो बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, ये रहा एक काम को ए और बी, देखिएगा तीन शाखाएं बना लेंगे, तीन प्रकार की शाखाएं हैं, देखिएगा पलक झपकते ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे काम को? सर 12 दिन में कर रहे हैं। उस पर के बाद में भाई क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, नोट कर लीजिएगा, बी प्लस सी मिलकर काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 दिन में। एक मिनट रुकिएगा भाई, ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 15-12 दिनों में जी। बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? बी प्लस सी मिलकर 15 दिनों में कर रहे हैं, और सी प्लस ए मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 दिन में।
तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, बड़ा कौन सा, 12, 15 और 20 में बड़ा कौन सा है, 20। अब 20 क्या 15 से डिवाइड नहीं है सर, 20 दूनी 40, ऐसा फैक्टर लेना तो तीनों संख्याओं से डिवाइड होता है, वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो एलसीएम निकालने की भी ट्रिक बता दी, तो 20 या 60 ऐसा है जो तीनों से डिवाइड है। तो यहाँ पर देखिएगा ए प्लस में बी, अगर 60 यूनिट काम है 12 दिन में कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य किया होगा, 5 यूनिट कार्य किया होगा। इन्होंने एक दिन में 4 यूनिट, इन्होंने एक दिन में 3 यूनिट कार्य किया होगा, इन्होंने एक दिन में कितना यूनिट कार्य किया होगा भाई, 3 यूनिट कार्य किया होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है आया हमारा, ए प्लस में बी, बी प्लस में सी, सी प्लस में ए। भाई थोड़ी बहुत अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत बात नहीं। 5 और 4 9, 9 3 12, यानी हमारा देखिएगा 2A हो गए, 2B हो गए, 2C हो गए, यानी 2A 2B प्लस में 2C इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया, 2 कॉमन हो गया, तो A प्लस में B प्लस में C इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। A प्लस में B प्लस में C और 12 बटे में 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 2 6 12, यानी 6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 6 दिन में क्या कर देंगे, A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। काम टोटल कितना करवाना है इससे, काम 60 यूनिट करवाना है। अगर एक दिन में 6 यूनिट कर रहे हैं तो 10 दिन में क्या कर देंगे जी, कंप्लीट कर देंगे। 10 दिन में तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में क्या कर देंगे, कंप्लीट। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट। यही पूछ रखा था, ये कहा एक काम को ए प्लस बी 12 दिन में, यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें, और 20 दिन में बी प्लस सी 15 दिन में, तो काम को कितने दिनों में, तीनों मिलकर। ये है भाई, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या था भाई, सी प्लस में ए, सी प्लस ए मिलकर 20 दिन में और बी प्लस सी मिलकर 15 दिन में, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। जितने नए विद्यार्थी जुड़ते जाए ना भाई, सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कर दे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। सबसे पहले तो क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए, आयत के क्षेत्रफल का, आयत के क्षेत्रफल का अगर फार्मूला पता है क्वेश्चन ईजी हो जाता है। क्या होता है हमारा, लंबाई इंटू में क्या होता है प्यारे बच्चों, लंबाई इंटू में क्या होता है जी, चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू में चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल हमारा कितना दे रखा है सर, 560 दे रखा है। लंबाई यानी एक भुजा मान लेते हैं 20, हमें क्या निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है। तो 560 और ये 20 डिवाइड में हो जाएगा, इधर इधर क्या हो जाएगी, चौड़ाई निकल आएगी, चौड़ाई निकालेंगे तो 2 0 से 0, 2 से 28, यानी 28 क्या है जी, ये मीटर में 28 सेंटीमीटर हमारी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। 28 सेंटीमीटर अगर हमारी चौड़ाई हो जाती है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इसका परिमाप हमारा क्या कीजिएगा, परिमाप का बात करें, परिमाप का, आयत के परिमाप का फार्मूला। भाई जितने भी फार्मूले अभी तक 28 मॉडल टेस्ट पेपर हो चुके हैं, तो ये नोट कर लीजिए, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आयत का परिमाप कितना होता है, 2 बराबर शुरू लंबाई प्लस में चौड़ाई। जितने फार्मूले हैं मैं कह रहा हूँ, इनसे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला, इनसे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला। बस इन 30 मॉडल टेस्ट पेपर को रिवाइज कर लीजिएगा, मैं कहते हूँ श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो लंबाई कितनी थी, एक भुजा 20 दे रखी थी, चौड़ाई हमारी कितनी आई, 28, 28 और 20 कितने हो जाते हैं, इंटू में 2 2 इंटू में 48, यानी 96 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, और परिमाप ही हमारा पूछ रखा है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आर्मी बॉय जाट अनु चौहान ठाकुर रघुवंशी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है जी, बिल्कुल राइट हो जाता है। तो जिन्होंने भी ए दिया है, बिल्कुल बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया है, शानदार दिया। ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन, यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो 50 चक्कर दूरी तय, यानी टायर है हमारा साइकिल का टायर लगा लो, कोई दिक्कत लगा, अगर ये एक टायर एक चक्कर लगा लेगा, यानी इसको किस में नापते हैं, परिधि में नापते हैं, किस में नापते हैं, परिधि में नापते हैं। सबसे पहले परिधि कितनी दे रखी है, सबसे पहले अगर बात करते हैं परिधि, तो परिधि का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा जी, 2πr हो जाएगा, परिधि का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। तो परिधि निकालिए, 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू दे रखी है 7 7 से 7, यानी हमारा 22 2 44 क्या है, सेंटीमीटर। यानी अगर ये एक राउंड लगाए ना प्यारे बच्चों, तो एक राउंड में 44 मीटर क्या कर देगा, डिस्टेंस को कवर कर देगा, और हमें तो 50 चक्कर की लगानी है, तो 44 इंटू में 50 गुना कर दीजिए, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 कितने हो जाएंगे, 22, यानी 2200 क्या हो जाएगा, 2200
2200। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, मीटर की बात हो रही है, आंसर किस में, ये 2200 किस में हो गया, सेंटीमीटर में। और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं जी, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, 22 मीटर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लाजवाब, शानदार भाई। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दिया, ए दिया है, बिल्कुल जबरदस्त दिया। समझ में आया या नहीं आया, जितने भी मेरे लाडले शेर और शेरनी जुड़े हुए हैं, मुझे ये बता दिया है क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। क्योंकि जब एक चक्कर होता है तो एक चक्कर लगाता है वो उसकी परिधि में काउंट करते हैं, यानी परिधि का फार्मूला हमारा 2πr होता है। वैल्यू पुट किया, एक चक्कर की दूरी हो गई, हमें 50 चक्कर की दूरी निकाले, तो 50 से गुना, सेंटीमीटर में आंसर नहीं दे रखा, मीटर में दे रखा है। एक मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं जी, एक मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2200 मीटर में 22 मीटर। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार भाई, लाजवाब, शानदार, बिल्कुल बहुत बढ़िया। विवेक कुमार का जी बिल्कुल आ गया जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल जबरदस्त, लाजवाब, शानदार। ये लीजिए फिर अगला क्वेश्चन, एक कार्यकाल में 20 श्रमिकों की औसत आय कितनी है। अगर देखिएगा, बिल्कुल इस क्वेश्चन में तो भाई कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं होती, देख लीजिएगा ये क्या बोल रखा, 20 कर्मचारी है, उनकी औसत आय कितनी है, 1900 है। अगर उनकी ये क्या है, औसत आय है, ये उनकी क्या है, औसत है। अगर कुल आय की बात करें तो क्या हो जाएगी, कुल आय की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 1900 गुणा में कितना हो जाएगा, 20, तो 19 दूनी 38, यानी 38,000 हो जाएगी। अगर बात करते हैं यदि एक प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए तो 2000 प्रतिमा, यानी 21, 20 में एक जोड़ने पर 21 हो गए, 21 जोड़ने पर कुल औसत कितनी हो जाती है, औसत हमारी कितनी हो जाती है जी, 2000 हो जाती है, औसत हमारी 2000 हो जाती है। अगर 21 की कुल आय की बात करें, अगर 21 की कुल आय की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2000 गुणा में क्या हो जाएगा, 21 दूनी 42,000, कितना हो जाएगा, 42,000 हो जाएगा। यानी 42,000 में से मैं 38,000 घटा दूंगा तो जो मेरी ऐड हुआ था प्रबंधक उसकी क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी, यानी 4,000 रुपये। जिन्होंने डी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल बेहतरीन दिया है, ज़बरदस्त दिया, हैकिंग बोट भी, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, ज़बरदस्त, लाजवाब, शानदार। क्लास को लाइक करते जाए, शेयर करते जाए, क्योंकि बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। देखिए ओरली करते तो हम मान लेते 20 की एवरेज कितनी है, 1900 है। अगर जोड़ने पर एवरेज कितनी बढ़ रही है, 100 रुपये बढ़ रही है, यानी 21 का काउंट हुआ, एक तो खुद की एज, 21 की क्या हो गया, खुद की एज जोड़ी 2000, और 100-120 जने को दिए 2000, वो हो गए 2000, और 2000 कितने हो जाते हैं, 4000 हो जाते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से आप कर सकते थे। तो जिन्होंने भी शेर और शेरनी ने डी आंसर दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, और ज़बरदस्त दिया। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा, एक मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल हमें फार्मूला याद होना चाहिए, वृत्त के क्षेत्रफल का हमें फार्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करते, सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। परिधि कितनी दे रखी है, परिधि सबसे पहले परिधि, देखिए एक मीटर परिधि लंबा तार है तो उसकी परिधि कितनी दे रखी है, एक मीटर दे रखी है। परिधि अगर एक मीटर दे रखी है और परिधि का फार्मूला हमारा क्या होता है जी, 2πr, क्या होता है जी, 2πr होता है। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या निकालेंगे, आर की वैल्यू निकाल लेंगे, आर की वैल्यू निकल जाएगी, फिर इसमें वैल्यू में क्षेत्रफल में फुट कर देंगे और आराम से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिएगा 2 × 22/7 इंटू में आर इंटू में कितना हो जाए, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। आर इधर ही रख लेंगे, 100 इंटू में ये 7 इधर मल्टीप्लाई में 2 × 22 हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देगा, 2 से कैंसिल आउट किया 50 हो गया, 2 से कैंसिल आउट किया 11, और 2 से 25, 25 आते 175/11, 175/11 सेंटीमीटर हो गया। इसको इतना का इतना रख लीजिएगा, इसको इतना का इतना लिख दीजिए, यानी आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 175/11। आर की वैल्यू हमारी 175/11 आ जाती है, तो पाई की वैल्यू हमारी 22/7 है, 175/11 इंटू में 175/11 कैंसिल आउट कर दीजिएगा। अगर कोई कट रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले अगर कैंसिल आउट किया 11 एकम 11, 11 दूनी 22, उसके बाद अगर 7 से कैंसिल आउट करूँ 7 दूनी 14 हो जाती है, कितने बचते हैं 3 × 7 = 35, यानी 25 हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कैंसिल आउट करने की कोशिश करूँ
तो ये अगर इसकी 175 देखिएगा, 175 25 इंटू में 2 और डिवाइड में 11 करके इसकी कैलकुलेशन करोगे तो हमारा 795.45 सेंटीमीटर स्क्वेयर, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वेयर में होता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूला याद है ना भाई, फार्मूला याद है तो बिल्कुल आराम से कर सकते हो। अभी तक ये 28वीं मॉडल टेस्ट पेपर है, अभी तक जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर मैंने करवाए हैं उन्होंने लगा लीजिएगा। मैं कहता हूँ ये 30 मॉडल टेस्ट लगाने के बाद में इसके अलावा मैराथन क्लासें भी आने वाली है और उन क्लासों का आनंद लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप आंसर दे सकते हो। क्लास को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, जो विद्यार्थी पहली बार क्लास में जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया भाई, लाजवाब शानदार, बहुत बढ़िया लाजवाब शानदार। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा, एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका आयतन हमारा ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन का फार्मूले की बात करें तो बेलन का आयतन का फार्मूला हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच होता है। क्या होता है जी, पाई आर स्क्वेयर एच होता है। तो 22 बटे में 7, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 इंटू में 7 हो जाएगा, एच की वैल्यू 15 है। बस फार्मूला याद था तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता, फार्मूला याद था तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है, देख लीजिएगा। बिल्कुल, तो देखिएगा 7 से क्या हो गया हमारा, 7 से प्यारे बच्चों 7 कैंसिल आउट कर दिया गुरुजी, उसके बाद 22 7 154 और 154 की 15 से, देखिए टेबल याद होनी चाहिए, 30 तक अगर टेबल याद है, स्क्वेयर याद है 25 तक, 20 तक क्यूब याद है, तो बिल्कुल मैथ इजी लेवल का हो जाएगा और मैथ ही आपका सिलेक्शन करवाता है। 15 चौके 60 हो जाएंगे, 15 पा 75, 75 और 6 कितने हो जाते हैं, 81 हो जाते हैं, 15 एकम 15, 15 और 8 कितने हो जाते हैं, 2310 आयतन दे रखा था, तो सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में है भाई, कौन से ऑप्शन में प्यारे बच्चों, सर ये डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ जिन्होंने अभी तक ये 28 मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, जो इनकी पीडीएफ चाहते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। इसके अलावा एक नंबर और है, 83072 75 75 5 75 75 5 पे संपर्क कीजिएगा, बिल्कुल दोनों पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं भाई, क्लास को लाइक भी करते जाए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करते जाए, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आर्मी बॉय, हैकिंग बोर्ड, ठाकुर, रघुवंशी, जाट, अनुराग, विवेक कुमार, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइएगा एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है तो वह संख्या क्या है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बाई ऑप्शन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बाई ऑप्शन करते हैं। पहला ऑप्शन उठाया, 2 में 2 जोड़े, फिर 5 जोड़ा, 2 2 4 5 4 9 9, 17 नहीं आया तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन होता है 6 में 6 जोड़े, 5 जोड़ा, 6 6 12 5 17, यानी 17 हमें चाहिए था, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, देखिएगा पलक झपकते ही हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, यानी जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल राइट दिया है, बढ़िया दिया है, लाजवाब दिया है, शानदार दिया। बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब शानदार। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में पार कर लेती है, 140 किलोमीटर की दूरी 18 सेकंड में तय कर लेती है किलोमीटर पर घंटे में। सबसे पहले तो क्या बताना है, चाल बताना है, तो चाल का फार्मूला हमारा क्या होता है, दूरी बटे में क्या होता है जी, समय होता है। दूरी बटे में क्या होता है जी, समय होता है। दूरी हमारी कितनी दी हुई है पहले बच्चों, दूरी हमारी कितनी हुई है, दूरी सर 140 मीटर और समय हमारा 18 सेकंड। लेकिन एक बात नोट कीजिएगा, यहाँ पर क्या है मीटर, अगर इसका आंसर निकालो, 2 में 18 2 7 14 70, यानी मेरा कितना आ गया, 70/9 मीटर पर सेकंड आ गया, मीटर पर सेकंड इसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। लेकिन हमें स्पीड किस में बतानी है, किलोमीटर पर हावर में। एक चीज़ नोट कीजिएगा, जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाना है तो बड़ा ऊपर, यानी 5/18 से देखो 70/9 हो गया तो कितना कर देंगे, देखिए मीटर से किलोमीटर पे जाना है यानी बड़े पे जाना है तो 18 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा। अगर किलोमीटर से मीटर पे जाना होता तो 5
छोटा ऊपर और बड़ा नीचे, ये भी ट्रिक बता दी। 9 * 1 = 9, 9 * 2 = 18, 5 * 1 = 5 और 14 * 5 = 70, यानी 14 * 2 = 28 किलोमीटर पर हावर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में 28 किलोमीटर पर हावर जी? सर 28 किलोमीटर पर हावर सी ऑप्शन में है, जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया है, शानदार दिया। सागर वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब, शानदार भाई, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, शानदार दे रहे हैं, बेमिसाल दे रहे हैं, बेहिसाब दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा एक क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 175 में घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। 175 के नज़दीक स्क्वेयर हमारा क्या हो जाएगा सर? 169 हो जाएगा, और 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। तो 175 में से अगर 169 घटा देता हूँ तो कितने बचते हैं? 6, यानी छोटी से छोटी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। कुछ भी सोचने वाली बात थी नहीं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जिन्होंने भी बी दिया है बिल्कुल बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल जाट ने तूफान उड़ा दिया, आज जाट दिवस भी है भाई, आज जाट दिवस भी है, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। खोल रहा है मेरा लहू जुनून से, दुनिया को हिलाना बाकी है, ये तो सिर्फ चिंगारी है, अभी आग लगाना बाकी है, अभी आग लगाना बाकी है। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे लाडलो, शेर और शेरणियों, बढ़ते रहिएगा, करते रहिएगा, और अपने ड्रीम जॉब को पाइएगा। क्या है, एक सीरीज है ये, 39 है, 39 के बाद में 41, फिर 43, फिर 45, अगली टर्म बतानी है क्या होगी। देखिए सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे, 39 + 2 = 41, 41 + 2 = 43, 43 + 2 = 45, 45 + 2 क्या हो जाएगा? 47। यानी इस क्वेश्चन का तो बिल्कुल पलक झपकते ही आंसर दे दिया, सी ऑप्शन जिन्होंने भी दिया बिल्कुल राइट दिया है और ज़बरदस्त दिया, सी दिया है बिल्कुल राइट दिया है और ज़बरदस्त दिया। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पता एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 28 मीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, अभी अभी इसी क्लास में वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला बताया था, बताइएगा वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा क्या होता है? सर वृत्त के क्षेत्रफल के फार्मूले की बात करें तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई हमारा 22/7 है, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 28 × 28 हो जाएगा आर स्क्वायर, तो 7 * 28 हो जाएगा, 22 * 88, और 88 और 28 की मल्टीप्लाई कीजिएगा, 88 और 28 की मल्टीप्लाई करते हैं, 88 और 28 के मल्टीप्लाई 8 * 8 = 64, 8 * 8 = 64 और 6 कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे, और 88 * 2 = 166, यानी अगर राइट आंसर की बात करें 6 * 6 = 7 * 6 = 13, यानी 23 = 64, जिस ऑप्शन में सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। जल्दी तो ये कौन से ऑप्शन में 23 = 64? 23 भाई, सात और छह 13। एक मिनट रुकेगा भाई, क्या मिस्टेक कर दी हमने? आठ आठ चौसठ और छह सत्तर जी बिल्कुल, 2 * 8 = 16 जी बिल्कुल, 2 * 8 = 16 और 1 = 17 जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, 176 आएगा, ये 7 * 7 = 14 हो जाएगा, यानी 24 * 64 जिस ऑप्शन में वो राइट हो जाएगा, 24 * 64 ए ऑप्शन में है भाई, कैलकुलेशन में कई बार मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिन्होंने भी ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट दिया है और ज़बरदस्त दिया, जिन्होंने भी ए दिया है बिल्कुल राइट दिया है और ज़बरदस्त दिया है, लाजवाब दिया। बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर प्रशांत को 75, यानी कोई चीज़ अपने आप का क्या होती है? 100% होती है। अगर 75% की हानि हो रही है तो वस्तु कितने में सेल हो रही होगी? 25% पर, और 25% की वैल्यू कितनी है जी? 6800 है। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 6800 / 25 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? उस वस्तु का क्रय मूल्य की। तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है? अगर प्रॉफिट पूछे, 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो 100 में 20 जोड़ दे, 120 हो जाएगा, 20% की हानि, 100 में 20। अगर क्रय मूल्य पूछे तो 100%, यानी इंटू में 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 25 * 100 तो 4 से गुणा करते, 4 * 8 = 32, 4 * 6 = 24 और 3 = 27, यानी 27,200 रुपये क्या था उस वस्तु का
क्रय मूल्य था लेकिन वस्तु 6800 रुपये में बेच दी, इसलिए उसी पर क्या हो गया, 75% हानि हो गई। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का डी आंसर दिया है, बिल्कुल बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया है, शानदार दिया। तो इस प्रकार की ये सीरीज चल रही है मैथ की, धमाकेदार, बस आनंद लेते रहिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब